नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं सहस्त्रधारा। तो दोस्तों, पिछला वीडियो हमारा जो था वो ऑफ सीजन का था, सर्दियों का था। तो इस बार हम जा रहे हैं गर्मी के मौसम में। तो चलो दोस्तों तैयार हो जाए। आज हम जा रहे हैं सहस्त्रधारा। निक्की बहुत खुश है, बहुत खुश लग रही है। और पिछला वीडियो हमने फरवरी में बनाया था जो कि ऑफ सीजन का था। अब सोचा आप लोग हम लोग सीजन में क्यों ना लेके चलें, कैसी भीड़ भाड़ रहती है। यदि आप ISBT से आ रहे हैं तो घंटाघर होते हुए, सर्वे चौक होते हुए लगभग 18 किलोमीटर पड़ेगा। और चूंकि हम तो जाखिम में रहते हैं, हमारे यहाँ से शायद 7 साढ़े 7 किलोमीटर होगा। चलिए आपको सहस्त्रधारा की सैर कराते हैं। और साथ ही हम लोग आ चुके हैं सहस्त्रधारा में। ये सामने मंदिर है जिसके नाम पर ये द्रोणाचार्य जी ने यहाँ तपस्या की थी। और ये सहस्त्र धाराएं भी आपको दिखाएंगे। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार सुंदर पानी बह रहा है, तो बच्चे नहा रहे हैं। और ये चारों की मम्मी और निको आज को बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोग नहा रहे हैं गर्मी से ऊपर कर लो ना, छुटकारा पाने के लिए, गर्मी से छुटकारा पाने के लिए अपने पानी ठंडे पानी में कूद रहे हैं। और साथियों यहाँ ये मंदिर है, द्रोणाचार्य जी का मंदिर आप देख सकते हैं ऊपर ही। और यहाँ ये जिस सहस्त्रधाराएं हैं जिनकी वजह से इसका नाम सहस्त्रधारा पड़ा है, आप देख सकते हैं। ये कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। पानी हो रहा है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर धाराएं बह रही हैं, नीचे पानी खर्चा हो रहा है, बहुत ही शानदार साथियों, बहुत ही मनमोहक कह सकते हैं आप। और ये अब निक्की भी चली गई है, ठीक से आ गया तो डर मत। निक्को देखो, अरे देखो भाई इधर देखो, करो करो और आगे चलो, आगे कुछ नहीं होता। देखो इधर देखो पापा को, अरे निक्को बड़ा खुश हो रहा है भाई पानी चलो। ओ निक्को भी पानी में आ गई है। और ये चार छोटे बच्चों को लेके आए हैं यहाँ पे, तो लोग कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे। और साथ ही हम लोग आ गए हैं, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग नहा रहे हैं। और यहाँ चेंजिंग रूम भी है, आप कुछ अमाउंट दे के कपड़े भी ले सकते हैं नहाने के लिए। और साथ ही जैसे कि मैंने बताया था आपको, यहाँ गंधक के पानी का स्रोत है, लोग अपने चर्म रोग भी दूर करते हैं और गंधक के पानी में नहा के लोग उसके अपने जो भी स्किन डिजीज होती हैं उनको दूर करते हैं। भीड़ है ना, भीड़ आज काफी। और दिखाते हैं साथियों आपको कुछ भीड़ का दृश्य दिखाते हैं। साथियों आप देख सकते हैं लोग नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पानी में, बहुत ही ठंडा पानी है। और लोग ट्यूब लेके, कुछ बिना ट्यूब के हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य भी है आप कह सकते हैं। और अब आपको आगे दिखाते हैं, आगे मिनट के काफी चीजें हैं। ये पिस्टल है, राइफल से आप बैलून कुछ वो कर सकते हैं। लास्ट में आ गए हैं, कितना अच्छा आप देख रहे हैं, खूब लोग एंजॉय कर रहे हैं।
साथियों, ये था आज हमारा सहजारा का टूर जो कि हमने सेकंड टाइम किया आपके लिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। तो चारों की मम्मी बोलेंगे भीग गई हैं। तो आज तो काफ़ी रश है दोस्तों, तो आप लोग भी आइए। और स्कूल की छुट्टियां पड़ने वाली हैं तो बच्चों के साथ आइए और इन्जॉय कीजिए। तो पानी बहुत ठंडा है और मज़ा भी आ रहा है। चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे बढ़ाइए। वो बात नहीं बोलती है चारों की मम्मी। तो साथियों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें अच्छा लगता है। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घूमते रहिए।